इस वीडियो में हम इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के जीवन के बारे में जानेंगे और ये वीडियो बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं होगा। इसीलिए जिन्हें सच सुनने से डर लगता है वो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएं, वरना बाद में रोना मत। तो चलिए अपने सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं और अतीत की सैर पर चलते हैं। अट्ठाईस अप्रैल 1937 को सद्दाम अब्दुल मजीद अल-तिक्रिती हुसैन का जन्म हुआ। सद्दाम ने अपने सगे पिता को कभी नहीं देखा क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही वो चल बसे तथा उसके बड़े भाई की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। सद्दाम की मां ने फिर दूसरी शादी की। सद्दाम का सौतेला बाप उसे बहुत मारता पीटता था। नतीजन उससे बचने के लिए सद्दाम अपने मामा के यहाँ रहने लगा जिनका नाम था खैरल्ला तल्फा। खैरल्ला तल्फा ने छोटे सद्दाम के हाथ में खिलौने देने के बजाय बंदूक थमा दी तथा ईरानी और यहूदियों के प्रति नफरत के बीज बो दिए। फिर सद्दाम जब 20 साल का हुआ तो उसने अरब सोशलिस्ट बात पार्टी ज्वाइन कर ली जिसका उद्देश्य था पूरे अरब वर्ल्ड को एक करना। पर वह सत्ता में नहीं थे, सत्ता में था तो कम्युनिस्टों का समर्थक जनरल अब्दुल करीम कासिम। नतीजन अक्टूबर 7, 1959 को सद्दाम और उसके साथियों ने कासिम की कार पर हमला बोल दिया, परंतु जनरल कासिम बच निकला। इससे पहले कि पुलिस सद्दाम को पकड़ती, 22 वर्षीय सद्दाम सीरिया भाग गया। फिर उसके बाद इजिप्ट चला गया। इजिप्ट में सद्दाम ने लॉ की पढ़ाई की। लॉ के साथ साथ सद्दाम ने अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन को पढ़ा तथा वो इन दोनों दरिंदों को अपना रोल मॉडल मानने लगा। 9 फरवरी 1963, बाद पार्टी ने करीम कासिम का तख्ता पलट कर दिया तथा उसे गोली मार दी गई। इस घटना के बाद सद्दाम वापस इराक आ गया। बाद पार्टी में सद्दाम को कोई नहीं जानता था, वो बस पार्टी का एक छोटा मोटा गुंडा था। पर फिर जुलाई 1968 को अहमद हसन अलबकर ने तख्ता पलट कर दिया तथा सत्ता हथिया ली। अहमद अलबकर सद्दाम के दूर के रिश्तेदार थे तथा वह उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। फलस्वरूप अलबकर ने सद्दाम को हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दिया। सद्दाम के काम से प्रसन्न होकर अलबकर ने उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सद्दाम ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। किसानों को जमीनें बांटी गई, औरतों को पूरे अधिकार दिए, एजुकेशन पे फोकस किया, हाई स्कूल तक पढ़ाई फ्री कर दी गई, लिटरेसी रेट बढ़ने लगा तथा इराक मॉडर्नाइज होने लगा। 1972 में अलबकर और सद्दाम ने तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिससे इराक की अर्थव्यवस्था आकाश से भी ऊपर पहुंच गई। इसे इराक का स्वर्ण काल कहें तो गलत नहीं होगा। इसी वजह से सद्दाम पूरे इराक में प्रसिद्ध हो गया। प्रेसिडेंट तो अलबकर थे, परंतु इन सब कामों का श्रेय सद्दाम को दिया गया। अलबकर को सद्दाम से खतरा महसूस होने लगा। इससे पहले कि अलबकर सद्दाम के खिलाफ कुछ एक्शन लेते, सद्दाम ने पहले ही पार्टी मेंबर्स को अपनी ओर मिलाकर अलबकर से जबरदस्ती इस्तीफे पर दस्तखत करवा लिया तथा उन्हें नजरबंद कर दिया। कभी पार्टी का छोटा मोटा गुंडा रहा सद्दाम, अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षाओं के दम पर आज इराक का प्रेसिडेंट बन चुका था। परंतु यह तो बस शुरुआत थी, मौत का तांडव आना तो अभी बाकी था। सत्ता में आने के ठीक 6 दिन बाद सद्दाम ने सीनियर बात पार्टी मेंबर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सद्दाम ने घोषणा की कि उसने अपने खिलाफ चल रहे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है और षड्यंत्रकारी इसी कमरे में मौजूद है। انتوا تعرفون شنو اجرى انا وياه هيش اخوانا لا شيء غير السيف اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه सद्दाम ने नाम बोलने शुरू कर दिए। जिस जिस का नाम बोला गया उसे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। किसी को नहीं पता था कि अगला नाम किसका आएगा।
बस चारों ओर सुनसान तथा डर का माहौल था। जब टीचर क्लास में एक एक को खड़ा करके क्वेश्चन पूछता था तभी पैंट गीली हो जाती थी, पर यहाँ तो सद्दाम हुसैन नाम पुकार रहा था। मौजूद महमूद जैसम रजा, मौजूद। 66 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें कुछ लोगों को तो केवल टॉर्चर करके छोड़ दिया गया, लेकिन कईयों को सद्दाम के आदेश पे गोलियों से भून दिया गया। संदेश साफ था कि जिसने थोड़ी सी भी सद्दाम से गद्दारी करने की सोची, उसे धरती से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सद्दाम को अपने पड़ोसी देश ईरान से खतरा महसूस होने लगा, जिसका कारण था आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी। खोमैनी के नेतृत्व में हाल ही में ईरान में शिया इस्लामी क्रांति आई थी, जिसमें अमेरिका के समर्थक रेजा पहलवी को सत्ता से फेंक दिया गया। तो इससे सद्दाम को क्यों खतरा महसूस हो रहा था? क्योंकि इराक में 65% शिया रहते थे, परंतु सद्दाम की सरकार में 90% सुन्नी थे। सद्दाम खुद भी सुन्नी था। वहीं खोमैनी के अनुसार सद्दाम अमेरिका का पालतू शासक था जो शियाओं पर अत्याचार कर रहा था, और खोमैनी ने इराकी शियाओं से आग्रह किया कि सद्दाम के खिलाफ खड़े हो जाओ। सद्दाम को डर था कि कहीं खोमैनी के भड़कावे में आकर इराकी शिया उसका तख्ता ना उलट दें, जिसकी चिंगारियां दिख भी रही थी। नतीजन 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को लगा कि केवल 2-3 हफ्तों में ही वो ईरान पर कब्जा कर लेगा, पर युद्ध लंबा चलने लगा। तिलमिलाहट के कारण सद्दाम ने ईरानियों पर केमिकल वेपन्स तक का प्रयोग कर डाला, और अमेरिका चुप था क्योंकि सद्दाम उसके दुश्मन ईरान से लड़ रहा था। परंतु अब कुछ इससे भी खतरनाक होने वाला था। सद्दाम का शुरू से ही कुर्दों के साथ संघर्ष चल रहा था। कुर्दों को दबाने के लिए उसने 1986 में ऑपरेशन अनफाल चलाया। 4,500 से अधिक कुर्दिश गांवों को तबाह कर दिया गया तथा 1.5 लाख से अधिक कुर्दिश सिविलियंस की जाने गई। हलबजा नामक कुर्दिश शहर पर केमिकल बॉम्ब्स गिराए गए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अमेरिका और ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बनने वाले देश चुप रहे। अमेरिका को डर था कि ईरान की ये इस्लामिक क्रांति कहीं पूरे मिडल ईस्ट में ना फैल जाए, इसीलिए अमेरिका और समस्त अरबी देश खोमैनी के विरुद्ध सद्दाम का साथ दे रहे थे। खैर, 20 अगस्त 1988 को 8 साल लंबा चला ईरान इराक युद्ध खत्म हो गया, और किसी भी देश को 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिला। कुछ मिला तो 10 लाख से ज्यादा लाशें तथा इकोनॉमी की तबाही। दोनों पक्षों ने स्वयं को विजेता घोषित किया, परंतु अभी तो ना जाने ऐसे कितने युद्ध होने वाले थे। इसके आगे की कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।